के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। आज मैं आप लोगों के लिए जो मालूमाती वीडियोस लेकर आई हूँ, शायद कि उसके बारे में कोई जानता होगा। दोस्तों, आप सबने बचपन से लेकर ये तो एक है जो सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, लेकिन इस कौर की क्या खास वजह है ये शायद ही किसी को मालूम होगी, लेकिन मैं आज आपको वो वजह बताऊंगी कि इस कौर के पीछे की क्या वजह है। तो दोस्तों, खड़क सिंह दरअसल उस पटियाला के महाराजा के मामू थे और उस वक्त के पंचायत के सरपंच भी थे। एक दिन यह हुआ कि मामलात से तंग आकर खड़क सिंह अपने भांजे के पास पहुंचे और कहा कि बेटा, शहर के एक सेशन में जज की कुर्सी खाली है, आप मुझे वहां पे जज मुकर्रर करवा दो। भांजे ने अपने मामू को एक सिफारशी लेटर लिखकर दिया और वो लेटर लेकर खड़क सिंह वासराय के पास जा पहुंचे। उस वक्त ये होता था कि जो शहर में जज मुकर्रर होते थे वो वासराय के ऑर्डर की वजह से होते थे। जब सिफारशी लेटर लेकर वासराय के पास जा पहुंचे तो वासराय ने हाथ पढ़ा और कहा कि नाम क्या है आपका। खड़क सिंह ने खड़कती हुई आवाज में कहा कि खड़क सिंह। वासराय ने पूछा तालीम क्या है, तो खड़क सिंह ने हंसते हुए कहा कि आपने मुझे जज मुकर्रर करना है या टीचर लगवाना है। तो वासराय ने हंसते हुए कहा कि हम आपसे इसलिए नाम पूछ रहे हैं कि आप कानून के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। तो खड़क सिंह ने मुझे कोताव देते हुए कहा कि मैं बहुत अरसे से पंचायत संभाल रहा हूँ, मैं लोगों को देख के ही ये अंदाजा लगा लेता हूँ कि वो कितने पानी में है और कितने में नहीं। हर वासराय ने हंसते हुए उनको कहा कि ठीक है, आप जाने, आपके काम जाने, और उन्हें वहां पर जज मुकर्रर कर दिया। अगले दिन ये हुआ कि जब खड़क सिंह अदालत में पहुंचे तो उनके सामने इतफाक से उनके सामने पहला केस जो आया वो कत्ल का था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए वहां पर उन्होंने देखा कि चार मुजरिम और एक औरत वहां पर अदालत में मौजूद है और उन्हें बड़ी गहरी नजर से देखा और देखते ही जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अचानक एक आदमी जो पुलिस की वर्दी में था उनके पास आया, कुछ कागजात उनको पेश किए और कहा कि माय लॉर्ड, ये जो चार लोग हैं ये वो मुलजिम हैं जिन्होंने इस औरत जो कि औरत के मुताबिक कि इस किशोर का कत्ल हुआ है चार लोगों ने किया है। उन चारों लोगों को देखते ही मामला समझ गए और कुछ कागजात पर तहरीर करने लगे कि अचानक कमरे अदालत में एक काली वर्दी वाला इंसान उठ के खड़ा हुआ और कहा कि जज साहब, ये जो केस है ये बहुत पेचीदा केस है, ये जो औरत कह रही है ये झूठ कह रही है, इसके शोर का हाथ में इन चार लोगों ने नहीं किया बल्कि इसने खुद किया है। जज साहब ने उस आदमी को देखा और पूछा कि अब ये कौन है। वही पुलिस वाला जो जज के पास खड़ा था, यानी खड़क सिंह के पास खड़ा था, और कहा कि ये जो आदमी है ये इनका वकील है जो उनकी तरफ से सिफारिश कर रहा है। तो जज साहब ने कहा कि इसको भी साइड पे खड़ा कर दो, और कुछ कागजात पर तहरीर करना शुरू हो गई कि अचानक कमरे में खामोशी छा गई। जैसे ही वह तहरीर पर लिखा हुआ सुनाया गया अदालत में तो पूरे कमरे में जैसे सांप सूंघ गया। जानते हैं दोस्तों उस तहरीर पे क्या दर्ज था? उस तहरीर में यह दर्ज था कि इन चारों मुजरिम के साथ साथ उनके वकील को भी सुबह 7 बजे के वक्त फांसी में लटकाया जाए। उस वक्त बड़ी हैरान कन बात थी ये सबके लिए कि मुलजिम को बजाय रहा करने के उनके वकील को भी सजा दी जा रही है। ये सुनते ही उस पूरी रियासत पर जैसे सांप सूंघ गया था। पूरे रियासत में खड़क सिंह के नाम से लोग थर थर कांपने लगे थे कि खड़क सिंह बहुत खड़क वाला बंदा है जो कि वकीलों को भी सजा देता है। हर इर्द गिर्द के जो लोग थे वो भी अपना इंसाफ पाने के लिए खड़क सिंह के पास आते और अपना केस खड़क सिंह के पास रखते और इंसाफ पाके जाते, क्योंकि खड़क सिंह बहुत खड़क आदमी था और वो इंसाफ देके ही लोगों को बेचता था।
तो दोस्तों मेरा कहानी, ये जो कहानी सुनाने का मतलब था, ये जो कॉल बताने का मतलब था, ये इसलिए था कि ये उस दौर की बात है जब मकान सच कच्चे थे और लोग सच्चे थे। क्यों? उस वक्त ऐसा था कि लोग जो भी करते थे वो सच्चे थे और अपने दिल से होके करते थे, और उनको इंसाफ भी मिलता था। वहां पे अमन था, अगर कोई कत्ल भी करता था तो सिर्फ उनको इंसाफ भी मिलता था, अगर कोई गुनाह भी करता था तो वो भी सजा पाता था। अमन शाह अमन थी, पूरे रियासत में अमन और अमान था। लेकिन आज उसके बरक्स आज के दौर में क्या हो रहा है? आज के दौर में ये हो रहा है कि मुलजिम आजादी के साथ घूम रहे हैं और बेगुनाह जो है वो सजा काट रहे हैं, क्योंकि ना हमारे हुक्मरानों का कोई हाल है और ना ही हमारी आवाम का कोई हाल है। जिस तरफ पैसा होगा उसी तरफ लोग भागेंगे, जहां पे गरीब आवाम होगी उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तो मेरा ये कहानी बताने का मतलब ये था कि काश उस दौर की तरह आज के दौर में भी हुकूमत होती तो आज भी हर शख्स अमन व अमान के साथ रहता, आज भी शायद बेगुनाह मारे ना जाते, आज भी शायद बेगुनाह के ऊपर इतना जुल्म ना होता। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।